तो नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड टिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक यूवॉन का ब्लूटूथ बॉक्स स्पीकर आया हुआ है दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें चार्ज नहीं लेता है, बट चार्जिंग पिन हमें ठीक ही लग रहा है, मगर चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर चार्जिंग पिन भी ख़राब है ऐसे तो मतलब मैक्सिमम 90% दोस्तों चार्जिंग पिन ही ख़राब होता है ये सब में, आईसी वगैरह कम चांस होता है। हाँ, अगर आईसी ख़राब होगा दोस्तों, तो इस मॉडल का मेरे पास आईसी वगैरह भी है, आईसी से लेके डायोड वगैरह सारा चीज़ है दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल हम बता सकते हैं आपको, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं इजी वे में, कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेने का, बस स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, उसको आप जान लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। दोस्तों, अगर इसमें चार्जिंग पिन का भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों, इसमें अगर चार्जिंग पिन का भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों, तो चार्जिंग पिन लगाने का कुछ स्पेशल ट्रिक मैं बताऊंगा, जो कि आप अगर फ़ोन भी बनाते हो तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, ताकि आपका उसमें क्या होगा दोस्तों, मजबूती काफ़ी होगा दोस्तों। और कैसे पिन लगाएं ताकि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर में दोस्तों साइड में भी दोस्तों LED वगैरह रहता है, जो कि इंडिकेट करता है चार्जिंग का ऑन होता है, वो सब इंडिकेट करता है। तो उसको कैसे खोले ताकि LED वगैरह में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों, तो वो भी आप अगर चार्जिंग पिन खराब होगा तो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना दोस्तों, चार्जिंग पिन दोस्तों, इसके चार्जिंग पिन जब खोलें दोस्तों, तो फिर चार्जिंग पिन का दोस्तों इसमें ब्लेड लगता है, मारा गया है, फिर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये घुस भी नहीं रहा दोस्तों चार्जिंग पिन दोस्तों, मतलब पूरा दबा हुआ है ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, आपको ये भी देखना होगा दोस्तों कि ये बगल में LED है दोस्तों, ये चार्जिंग का इंडिकेट करता है दोस्तों, ताकि ये भी ख़राब नहीं हो दोस्तों। ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों, बगल में ऐसे वगैरह भी है दोस्तों, तो हीट भी मारेगा तो थोड़ा हिसाब से मारना पड़ेगा। और सबसे पहला दोस्तों LED है, इसको तो बचाना तो ही पड़ेगा दोस्तों, ये सब में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर LED में प्रॉब्लम होता है, गल जाता है ये, इसको सावधानीपूर्वक आपको खुद से अच्छा से करना पड़ेगा। तो कैसे करें और कैसे लगाएं दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा, ताकि इसका पिन दोस्तों काफ़ी दिन तक आपका टिके, बार बार उखड़े नहीं, मैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो कैसा पिन लगाएं दोस्तों कमेंट ज़रूर करें कि हाँ अच्छा लगा है कि नहीं लगा दोस्तों। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें दोस्तों। दोस्तों, तो सबसे पहले इसका पूरा कनेक्शन खोल देते हैं दोस्तों, पूरा कनेक्शन खोल के दोस्तों उसके बाद इसको जो है हम फिट करते हैं। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ LED है दोस्तों उसका, दोस्तों देखिए मोबाइल का दोस्तों आगे ऊपर वाला दोस्तों जो है ये होता है दोस्तों, IC वगैरह जो पैक होता है दोस्तों, तो इसका जो टीना है दोस्तों, इसको दोस्तों डबल दोस्तों कर देता हूँ, ताकि दिक्कत नहीं हो ये। और इसको जो है थोड़ा सा टेप से मैं इसको अस्थिर कर दिया। तो दोस्तों, अब जो दोस्तों अब क्या करना है, इसको उखाड़ना है दोस्तों, और उखाड़ना लगाना दोनों मैं बताऊंगा दोस्तों, अच्छा से लगाने का कुछ स्पेशल ट्रिक मैं बताऊंगा, ताकि दिक्कत नहीं हो दोस्तों। और दोस्तों, उखाड़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा पेस्ट लगा लें, पेस्ट लगाने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, तुरंत जल्दी जो दोस्तों ये आपका सोल्डिंग जो दोस्तों इसका छोड़ेगा। बस ये वाला है दोस्तों वेल फिक्स लग सोल्डिंग फेस्ट। अब दोस्तों इसको जो है उखाड़ देना है, सावधानी थोड़ा उखाड़िएगा, अब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने उखाड़ दिया दोस्तों, और अभी ऐसे ही करें दोस्तों, ताकि कुछ सामान में दिक्कत नहीं हो दोस्तों। अब इसमें पिन लगाते हैं दोस्तों, तो पिन लगाने में कैसे पिन लगाए जो दोस्तों मजबूती भी रहेगा और बेस्ट रहेगा, जल्दी उखड़े नहीं, तो ये भी देख लीजिए आप। सबसे पहले दोस्तों ये आपका पिन इस साइज का पहले आपको देख लेना कौन सा लगेगा। तो दोस्तों, ये आपका चार्जिंग पिन दोस्तों ये सेट कर गया दोस्तों, मैंने देख लिया है,
उसके अब क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों ब्लेड से मैंने जो है मतलब स्क्रैच कर दिया दोस्तों, और इसमें पेस्ट सोल्डिंग लगा देना है। पेस्ट सोल्डिंग लगा के दोस्तों फिर इसको लगाना है दोस्तों, और लगाना है तो दोस्तों थोड़ा इधर से हीट भी मारना है दोस्तों, ताकि ये इसमें जो दोस्तों ये इसका पेस्ट और इसका पेस्ट दोस्तों सोल्डिंग एक दूसरे में सट जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये भी थोड़ा बेस्ट ही भी हो जाएगा, मजबूती भी हो जाएगा दोस्तों। तो वैसे हम भी करते हैं दोस्तों, और मोबाइल सब में भी वैसे करें, वो आपके लिए एक नंबर बेस्ट रहेगा दोस्तों। जल्दी उखड़ेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा का शिकायत आता है दोस्तों कि जल्दी उखड़ जाता है, कैसे पिन लगाते हो। तो दोस्तों ये सब पे थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, और जब उधर से साइड से हीट दे दोस्तों उस बगल से, तो थोड़ा इधर से बचाए दोस्तों, हल्का साइड करके हीट दे, हल्का ज़्यादा हीट, ज़्यादा नहीं हीट दे कि पूरा गल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों पार्ट्स वगैरह जो है खुल के खुद नीचे गिर जाएगा। ये सब ज़रूर ध्यान दें आप। तो दोस्तों देखिए मैंने ये लगा दिया दोस्तों चार्जिंग पिन, और इसमें फिट करके देखते हैं दोस्तों कि अच्छा से होता है कि नहीं। तो फिर बैटरी का जो प्लस मैंने देख के जोड़ देते हैं। ये दोस्तों ऐसे चार्जिंग पिन लगाइएगा दोस्तों, बिन बैटरी जोड़े हुए चार्जर पिन लगाइएगा दोस्तों, तो लाइट बुआ करेगा दोस्तों, सही से पता नहीं चलेगा कि चार्जर हो रहा है कि नहीं, इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। तो मैंने ये प्लस माइनस देख के जोड़ दिया दोस्तों, और इसमें चार्ज में लगाया देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये चार्ज हो गया दोस्तों, इंडिकेट भी कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।